एसडीएम ज्योति मोरिया का आसिक कमांडेंट मनीष दुबे की फोन में छिपा है एक ऐसा राज जिसका योगी भी कर रहे हैं तलाश। जी हां दोस्तों, अब आखिरकार आलोक मोरिया ने कर दिया बड़े राज का पर्दाफाश। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से आलोक मोरिया ने एक बार फिर से ज्योति मोरिया के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। किस तरह से अब ज्योति मोरिया का आसिक कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं आलोक मोरिया ने जो बयान जारी करा है, जिस बयान में उसने ज्योति मोरिया और उसके आसिक को लेकर ऐसा बोल दिया जिसको जानने के बाद हर कोई दंग हो जा रहा है। आपको बता दूं जिस तरह से ज्योति मोरिया और आलोक मोरिया का चर्चा चारों तरफ सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ से लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दूं हर कोई ज्योति मोरिया के काले कारनामों को जानना चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है किस तरह से ज्योति मोरिया एसडीएम बनने के बाद अपने ही पति आलोक मोरिया के साथ छल करना शुरू कर दी और पराए मर्द के साथ गंदा काम करना शुरू कर दी। आप सबको पता होगा दोस्तों, एसडीएम ज्योति मोरिया को लेकर जो खुलासा हुआ उसका चक्कर कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चल रहा था। आपको बता दूं कुछ समय पहले डीआईजी साहब को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया गया था। डीआईजी साहब से कहा गया था कि ज्योति मोरिया से जुड़ा जितना भी प्रूफ है तमाम प्रूफ को इकट्ठा किया जाए। आपको बता दूं हाल ही में आलोक मोरिया से कई मीडिया कर्मियों ने सवाल भी किया। आलोक मोरिया का यह कहना है कि उसकी पत्नी जो कि घुसखोर तो है ही साथ ही साथ चरित्रहीन भी है। आलोक मोरिया का यह कहना है कि पिछले 3 वर्षों से उसकी पत्नी मनीष दुबे के साथ खेल खेल रही है। आपको बता दूं मनीष दुबे के साथ मिलकर बताया जाता है ज्योति मोरिया खतरनाक काम कर रही थी, और केवल खतरनाक काम ही नहीं दोस्तों बल्कि उसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। आपको बता दूं ज्योति मोरिया के काले करतूतों के बारे में जब से योगी जी को पता चला है तब से योगी जी को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। योगी जी ये सोच रहे हैं कि उनके प्रदेश में ऐसे ऐसे अधिकारी भी हैं जो कि इतना ज्यादा चरित्रहीन है। आपको बता दूं हाल ही में आलोक मोरिया ने कहा है कि उसकी पत्नी ज्योति मोरिया, उसकी बेवफा एसडीएम पत्नी ज्योति मोरिया जो कि मनीष दुबे के साथ गंदा काम तो करती ही थी, लेकिन बताया जाता है मनीष दुबे के मोबाइल फोन में कुछ वीडियोज है। दरअसल बताया जाता है आलोक मोरिया का ये कहना है कि एसडीएम ज्योति मोरिया जो कि मनीष दुबे के साथ जब भी कांड करती थी तब तब दोनों वीडियो शूट किया करता था। बताया जाता है बाद में वो लोग उस वीडियो को देखकर मनोरंजन किया करता था। हालांकि आलोक मोरिया का ये भी कहना है कि मैं अपने पत्नी से जब भी मोबाइल मांगता तो वो मोबाइल नहीं देती थी, बार बार मुझसे कहती मेरे मोबाइल से दूरी बनाकर रखो, मैं अधिकारी हूँ मेरे मोबाइल फोन को मत छुओ। आपको बता दूं आलोक मोरिया ने आखिरकार एसडीएम पत्नी के व्हाट्सएप को हैक कर ही लिया। आपको बता दूं जब एसडीएम पत्नी का व्हाट्सएप हैक करा गया उसके बाद दोस्तों सारे राजों का पर्दाफाश हो गया। आपको बता दूं कुछ समय पहले आलोक मोरिया ने एक प्रमाण भी दिया था, उन्होंने एक सबूत भी पेश किया था जिसमें साफ साफ देखा गया था किस तरह से ज्योति मोरिया मनीष दुबे से व्हाट्सएप चैट के जरिए अश्लील अश्लील बातें किया करती थी। आपको बता दूं आलोक मोरिया ने जब सबूत दिया उस सबूत से साफ साफ दिख रहा था कि व्हाट्सएप चैट के जरिए किस तरह से ज्योति मोरिया मनीष दुबे के साथ काले करतूतों को अंजाम दे रही थी, किस तरह से मनीष दुबे के साथ वो गंदा गंदा बातें किया करती थी। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों आलोक मोरिया का ये कहना है कि उसकी पत्नी जो कि अश्लील हरकत तो कर ही रही थी लेकिन उससे भी ज्यादा अश्लील हरकत मनीष दुबे कर रहा था। आपको बता दूं आलोक मोरिया को संदेह है कि मनीष दुबे के मोबाइल के अंदर उसके पत्नी का वीडियो है, वो गंदा गंदा वीडियो है जिस वीडियो के जरिए वो उसके पत्नी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों बताया जाता है आलोक मोरिया ने इस मामले में कहा है कि कहीं न कहीं मनीष दुबे के मोबाइल फोन को चेकअप तो करा ही जाना चाहिए, बाकी मनीष दुबे के मोबाइल को साथ ही साथ गूगल ड्राइव को, गूगल फोटोज को अच्छे तरीके से खंगाला जाए। उसके अलावा दोस्तों मनीष दुबे को लेकर जिस तरह से आलोक मोरिया ने कहा है कि ऐसे दोषियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, और दोस्तों आलोक मोरिया का कहना है कि मुझे इंसाफ भी मिलना चाहिए। हर किसी को ज्योति मोरिया के काले करतूतों को जानने के बाद गुस्सा आ रहा है, चारों तरफ सोशल मीडिया पर यह खबर जो कि लहर की तरह दौड़ रहा है। हालांकि दोस्तों अब देखते हैं किस तरह से मनीष दुबे के मोबाइल फोन को चेक करा जाता है, किस तरह से उस राज का पर्दाफाश होता है, किस तरह से योगी जी एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आपको कुछ भी कहना हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जय हिंद।